महाराष्ट्र के पुणे से संचालित क्विक हिल फाउंडेशन द्वारा बागली क्षेत्र के लिए चलित चिकित्सालय आरोग्य यान की सौगात दी गई, जिसका लोकार्पण बागली नगर के गांधी चौक चौराहे पर फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा काटकर की उपस्थिति में किया गया। भैया जी दानिश सेवा न्यास एवं सेवा भारती उप समिति जटाशंकर बागली के तत्वावधान में क्विक हिल फाइनेंसर पुणे द्वारा बागली क्षेत्र के लिए चलित चिकित्सालय आरोग्य यान की सौगात दी गई है, जिसे बागली के आदिवासी बहुल क्षेत्र में गरीब वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में क्विक हिल फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा काटकर एवं मैनेजर अजय शिरके, बागली SDM शोभाराम सोलंकी एवं स्वयं सेवक संघ के जिला कार्यवाह धर्मेंद्र सिंह सैंधव उपस्थित रहे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुसर्गित संगठन सेवा भारती है, जो वर्षों से आदिवासी और वंचित जो लोग हैं उनके बीच में काम कर रही है। उन आदिवासी क्षेत्र में जो सेवा भारती ने अपने कार्य किए, जो गरीबों की सेवा की है, घर घर तक आदिवासियों तक अपने उन्नति के प्रयास किए, उससे प्रभावित होकर पुणे की जो कंपनी है, एक पुणे कंपनी ने हमको एक क्विक हिल कंपनी है, उसने हमको एक चलित वाला आरोग्य दान दिया है, डोनेट किया है। क्या उद्देश्य है उसका? उसका उद्देश्य है कि बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े गांव तक तो अस्पताल की व्यवस्था है, सुविधा है स्वास्थ्य, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो इस यान के माध्यम से, इस वाहन के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज भी काफ़ी गरीब है वहाँ तक हम स्वास्थ्य सुविधा पहुँचे, और सेवा का कार्य जो है वर्षों से देश की परंपरा रही, वो तो सेवा कार्य हर घर तक पहुँचे, यही सेवा भारती का उद्देश्य है। इसका संचालन किस प्रकार से किया जाए? क्या शुभ नाम है आपका? आप कहाँ से आई और आपने क्या बागली क्षेत्रों क्या गिफ्ट भेंट कराए? मैं अनुपमा काटकर क्विक हिल फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ, और हमने इस बागली गांव के आसपास के 200 गांवों के लिए आरोग्य यान ये चलती फिरती चिकित्सालय का भेंट दिया हुआ है। और ये स्वास्थ्य चिकित्सालय ऐसा है कि डॉक्टर लोगों के दरवाजे तक जाके उनको स्वास्थ्य की सेवाएँ देंगी, बस यही लाभ मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग उसकी सेवा का लाभ उठाएँ। क्या उद्देश्य था आपका इसका लेने का, मतलब बागली का आपने देवा जिले का बागली शहर को चुना? एक्चुअली हम लोग जो भी काम करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करते हैं, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये भी एक भाग आता है जहाँ पर आदिवासियों का ज़्यादातर निवास होता है, और इन लोगों को वो सुविधा नहीं होती है स्वास्थ्य की, इसलिए हमने इन भागों को चुना है जहाँ पर सेवाएँ कम है। थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।